नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज ब्लॉग में। दोस्तों हम हैं अजमेर के ब्यावर शहर में और ब्यावर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है रूपनगर और यहाँ पर हम आए हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पर। और एक भाई मिले हैं तो देखेंगे इनका फार्म, काफ़ी शानदार फार्म इन्होंने बना रखा है और बकरी पालन का ये काम करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नाम क्या जी आपका? सैफ अली खान। सैफ अली खान जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 23। 23 जी। अच्छा, तो क्या स्टडी वगैरह किए हुए हो जी? और कहाँ तक करी पढ़ाई? 10th। 10th तक पढ़ाई कर रही हुई जी। उसके बाद में यही काम कर रहे हो क्या? जी, उसके बाद में बकरी पालन का जी। आपके पास 30-35 बकरियाँ हैं। अच्छा। और 10-15 बच्चे हैं जी। बच्चे ये है, बच्चे का सेटअप इधर अलग है और बकरियों का अलग है। अच्छा, ये वाली बकरियाँ आपने? ये बच्चे हैं। अच्छा। जी तो ये तो अलग दिख रही थी, इनके जैसे कान वगैरह हैं, इनके काफ़ी लंबे अच्छे कान वाली बकरियाँ। हाँ जी। तो इसमें क्या आपने कोई आइडिया सोच के आप पालन कर रहे हो या मतलब ऐसे ही पालन कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ सोच के कर रहे थे तो मैंने ये सोच के किया था कि ये लंबे कानों में, ये तो इसलिए गया था पहले पापा जी, ये तो लोकल बकरियां अजमेरा सिरोही ये पालते थे तो मैंने पाकिस्तानी वीडियो देखी थी, उसमें कपला स्टाइल में जो वाइट बकरियां थी ना, मैं उस ब्रीड पे काम करना चाह रहा था और वैसे ब्रीड अपने इंडिया में क्यों ना हो, ये सोच के मैं इस लाइन में आया। इसलिए ये बकरियों के कानों में या हर चीज़ में ये है, क्योंकि मैं कपला स्टाइल में इंडिया के अंदर कपला बनाना चाह रहा हूँ। तो वो जैसे आप ये सोच के इस फील्ड में आए हो और उसी जो ब्रीड है उसको डेवलप करना चाहते हो जी, तो वो कोई खास है या क्या उसकी क्वालिटी है या क्या उसकी डिमांड है? नहीं, तो कि आप उसमें जाना चाह रहे हो तो उसमें क्या आप मतलब उसमें है, मतलब ऐसा कि आप उसी ब्रीड के अंदर काम करना चाह रहे हो? उसके करने के मतलब 2-3 फायदे हैं। एक तो वो खूबसूरती है, दूसरा उनके मार्केट है ना अभी ट्रेंड पे चल रही है इसलिए, और वो यानी दूध के हिसाब से, हाइट लेंथ के हिसाब से हर चीज़ में यानी वो ब्रीड अच्छी है। तो उसके लिए ब्रीड कौन सी ब्रीड का आप चुनाव करोगे? चुनाव? हाँ। तो मैंने तो अभी यानी 3 ब्रीड के अंदर काम कर रहा हूँ, अजमेरा के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और सोजत के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, और उस कपला स्टाइल के लिए काम करने के लिए मैं ब्रीड चुन रहा हूँ कोटे के ऊपर अपन हैदराबादी ब्रीडर लगा के। अच्छा। वो कपला स्टाइल में बच्चे जो आने वाले हैं ना, जो मैं आपको दिखाऊंगा मैं चैनल के ऊपर कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो कितना टाइम हो गया आपको उसके उसमें काम करते हुए? अभी उसमें काम करते हुए मेरे को ज़्यादा, मैंने 5-6 महीने हुए लेके आया। अब वो बकरियाँ सारी मैं कोटा से लेके आया, वो अपने ब्रीडर से लोड है यानी 1.5 से 2 मंथ की, 3 महीने बाद इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसका 3 महीने बाद में मिलेगा? हाँ। और अभी जैसे ये कान वाली जैसे है तो वो क्या पहले से ऐसा है या आपके यहाँ पे आपने मतलब प्रोडक्शन करा है? ये अपने जो बकरे का रिजल्ट ही है, सोजत के ऊपर लगाए हुए बकरों का सारे का रिजल्ट देखते हैं, अंदर चल के देखते हैं। ये वाली है तो एक एक करके दिखाओ आप मेरे को, जैसे ये वाला इसकी जान लेते हैं आप। ये देखें। हाँ। 5 से 6 मंथ का बच्चा है ये, वाइट आइज में है, लॉन्ग ईयर में है और मार्बल सिंग मार्बल खुर में है। अच्छा, ये आप देखिए कान करना इसके, कान कितने लंबे होंगे इसके कान? मेरे हिसाब से 15+ है। 15+ इसके कान है जी। अच्छा। और चकलान भी देखिए कानों के। अच्छा, पत्ते की तरह खुले कान है। और ये जैसे सींग मार्बल की बता रहे हो? हाँ, सींग भी मार्बल है ये देखो। हाँ। आप और ये देखो, वाइट आइज में है। अच्छा। रोमन नोज में है। काफी खूबसूरत जो बच्चा है ये। हाँ, ये यानी एज ए ब्रीडर के तौर पे यूज करने के लायक बच्चा है। अच्छा, तो ये मिक्स ब्रीड का है या कोई ब्रीड का? कौन सी? ये सोजत और हैदराबादी क्रॉस का है। सोजत और हैदराबादी का है ना जी। अच्छा अच्छा, और उसी में ये एक मुंडा बच्चा है, ये देखिए। ये तो सोजत का लग रहा है। हाँ है? ये सोजत हैदराबादी क्रॉस का ही है। ये भी क्रॉस का क्या? हाँ, ये भी क्रॉस। कान थोड़े छोटे, कान माप पे चले गए हैं। अच्छा। लेकिन वाइट आइज में है और रोमन नोज में है, ये देखिए। अच्छा, और अभी से बकरे के बच्चे की लेंथ देखिए आप।
काफी लेंथ काफी अच्छी है इसकी। हाँ। इसकी भी लेंथ तो काफी अच्छी है इसकी तो जी। और ये कितना महीने का होगा? ये भी लगभग सारे एक ही उम्र के हिसाब से। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा है, ये से छोटा है। अच्छा, ये कितने महीने का होगा ये वाला? ये 5.5 महीने का होगा, तो ये 4-4.5 मंथ का ही है। अच्छा जी, 4.5 महीने का है। जी, जी। क्या होगा इसका वजन? मैंने अभी वो निकाल नहीं रखा, मुझे तो 22 के आसपास लग रहा है ना, 20-22 के आसपास लग रहा होगा ये तो। 20 किलो का? नहीं नहीं 20 किलो से ज्यादा है। ज्यादा है? कितना होगा? 25? हाँ 25 तो मान लिया, 25-26 होगा। अच्छा अच्छा जी, आराम से 25-20 किलो। और ये 28-30 का होगा ये ना? हाँ ये ज्यादा है, ये 28-30 का होगा। हाँ ये 28-30 का। अच्छा, और ये अपने अजमेरा का रिजल्ट है। ये अजमेरा का? जी। तो व्हाइट किसे आ गई अजमेरा? ये अपने ब्रीडर के ऊपर गई। अच्छा जी। ब्रीडर कौन सा था? ये हैदराबादी में। हैदराबादी? हाँ, हैदराबादी वाले क्रॉस के हैं सारे के सारे। जी जी जी। कोटा को हैदराबादी से आपने करवाया है? जी। और सोजत को हैदराबादी से कराया, मतलब हैदराबादी का ब्रीडर? हाँ, मतलब मेरे जो फार्म पे जो मेन ब्रीडर अभी एक ही है, हैदराबादी है, सोजत हैदराबादी क्रॉस वाला ही ब्रीडर है, वही मैं सारी बकरियों पर लगा रहा हूँ। अजमेरा अच्छा। के ऊपर भी वही है। अच्छा। कोटा के ऊपर वही है, सोजत के ऊपर भी वही है। तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, ये तो अजमेरी पे है ये। हाँ ये अजमेरी बकरी पे, ये सोजत वाली। अच्छा, सोजत वाली बकरी, सोजत वाली है। हाँ, उसी के ऊपर हैदराबादी ब्रीडर लगा के ये रिजल्ट। और ये अजमेरी वाला है? ये अजमेरा वाला है। और ये वाला जो बताया आपने, ये कोटा का? ये वाला? ये नहीं, ये कोटा के तो नहीं, ये सोजत हैदराबादी क्रॉस का ही है। सोजत हैदराबादी क्रॉस का? और ये वाला? ये भी सोजत हैदराबादी का। अच्छा अच्छा, सिर्फ कोटा वाला तो सिर्फ इसमें ये है। दिखाना दे, ये भी हैदराबादी कोटा का है क्या? नहीं नहीं, ये केवल कोटा, ये केवल कोटा, प्योर कोटा का है। अच्छा, ये प्योर। इसकी खासियत बताओ तो आप। इसकी खासियत एक तो रोमन नोज है ही है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है सिंग। अच्छा, जो इसके खड़े सिंग होंगे और घुमावदार होंगे। हाँ। ये इसकी पहचान है। और इसके कान खुले नहीं होते, तलवार कट होते हैं और फोल्ड में होते हैं। अच्छा, ये देखिए। तो इसको आप ब्रीडर के तौर पे रखोगे क्या? हाँ, अभी इसको मेरे पास ये कोटा वाला ब्रीडर नहीं है, तो इसको ब्रीडर के लिए यूज कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ अभी। ये देखिए इसका गुलाबीपन, ये देखो। अब इस तरह से जो बच्चे आ जाएंगे ना, तो ये इंडिया के अंदर पाकिस्तानी कपला स्टाइल में जो बच्चे हैं ना। अच्छा। वो बन सकते हैं। ये देखिए, ये है कितने टोटल आपके पास? ये 8-10 बच्चे। ये सेल के लिए है या क्या? हाँ, सेल के लिए है। सेल के लिए है? हाँ। तो कीमत क्या बताओगे या किस हिसाब? वो फोन पे बता देंगे। फोन पे बता दोगे? अलग अलग की अलग अलग रेट? हाँ। रखेंगे वो, जैसे मतलब आप पसंद करोगे उसकी, उसके हिसाब से कीमत लगेगी। तो और देख लेते हैं आपके पास के। हाँ। अलावा जैसे ब्रीडर आपके पास रखा हुआ है या अभी है ना? है क्या? जी, चलो वो भी देख लेते। बकरियां भी होगी आपके पास? हाँ बकरियां भी है, चलो वो देख लेते। हाइट काफी अच्छी है यार इसकी। अच्छी हाइट लेंथ है और कमर में यानी जो बैंड बोलते हैं वो भी है, वाइट आइज में है। ये देखो कानों की लेंथ भी अच्छी है और बकरे की हाइट भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है ना? जी जी। अच्छा, कितने दांत का होगा ये? 4 दांत का है। 4 दांत का है क्या? जी। अच्छा, तो अभी इसको ब्रीडर के तौर पे कितने महीने हो गए लेते हुए काम में? ये इससे फर्स्ट बार जो बच्चे लिए वही है। अच्छा। ये न्यू ब्रीडर है अभी। अच्छा जी जी। तो ये तो आपको चेंज करना पड़ेगा ये? हाँ, चेंज तो करने के लिए उसमें से बच्चे से जो अच्छा बच्चा होगा वो देख लेंगे, बाकी अच्छा, अच्छा। किसी को जरूरत होगी तो ये दे भी देंगे। तो इसके जो कान है काफी अच्छे है ना? जी जी। अच्छा, तो ये प्योर सोजत और उसका हैदराबादी ब्रीडर का क्रॉस है ये? हाँ, क्रॉस का है। अच्छा, प्योर हैदराबादी नहीं है? प्योर हैदराबादी नहीं है। अच्छा, तो क्रॉस ही करवाने का क्या है आपका आइडिया? हैदराबादी और सोजत का क्रॉस है ये ब्रीडर आपने चुनाव किया है, तो उसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि सोजत और हैदराबादी को ये चुनने का मेन तो
इसके लंबे कान हो गए और खूबसूरत और गुलाबी पन है। तो वो तो हैदराबादी का भी तो होता है, तो क्रॉस करने का लेने का क्या मतलब है? क्रॉस में मेरे हिसाब से तो मैंने जहाँ तक देखा कि हैदराबादी अगर पीवर जो होगा ना उसकी लेंथ इतनी नहीं होती है, थोड़ा शॉर्ट होता है। अच्छा, मेन रीजन, और उसकी हाइट इतनी नहीं होती है। सोजत हैदराबादी क्रॉस होने से उसकी हाइट हो जाती है, हाइट में मतलब हाइट बढ़ जाती है और गुलाबीपन आ जाता है। अच्छा अच्छा जी, ये रीजन है आपका ना? जी। अच्छा, और ये बकरिया है? जी। एक ये बकरी देखिए कितनी हाइट लेंथ की बकरी है, ये चार दांत होने के बाद अभी मैंने लोड करवाई है, ये इसी ब्रीडर से है और तीन मंथ की लोड है। तीन महीने की है ना? जी। अच्छा, इसकी खासियत क्या है जी? ये देखिए मुंडी है, अच्छी बकरी है। तो ये कौन सी है, क्रॉस है क्या ये भी? हाँ, क्रॉस में ही है शायद, देख लो कैसी लागे क्रॉस। मैं तो सिरोही सोजत। हाँ, सिरोही सोजत में है शायद, सिरोही और सोजत के अंदर ये क्रॉस में। देखिए ये पूरा कलर सिरोही पे आ गया, ये थोड़ा मुंह पे, ये सोजत भी है आपके पास है ना? जी। अच्छा, तो कोटा भी है आपके पास है ना? हाँ, कोटा भी है। कोटा, और ये आपके कोटा ज्यादातर तो कोटा ही आपके पास? पाँच है बस कोटा, पाँच। हाँ, इनमें ही था। अच्छा, बाकी सेल के लिए कौन से अवेलेबल है आपके पास? जो भी चाहिए वो सारी ब्रीड की मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। कोटा में लो, अजमेरा लो, सोजत लो, जो भी लोगे ना वो सारी बकरियां मिल जाएगी। तो जैसे अभी तो हम देख रहे हैं तो 30-35 बकरियां आपके पास है जी, तो कोई लेता भी है तो वो तो लोट में लेता है, जैसे 50 बकरी हो 60 बकरी हो वो लेता है, तो आपके पास में कहाँ है ये? नहीं, सारी अरेंजमेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे गाँव में भी है, मेरे पास भी है, मेरे भाई के पास भी है, नहीं हमारे परिवार वाले सारे ना जो बकरियों के फार्म पे यानी बकरियों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सारे के पास मिल जाएगी ये बकरी। मोबाइल नंबर क्या है जी आपके? 77-37-15-30-10। अच्छा, और यहाँ की लोकेशन? लोकेशन आप मैप पे जाओगे, नाज गोट फार्म रूपनगर डालोगे तो सीधा यहाँ आ जाओगे, वरना बेसिकली आना चाहते हो ब्यावर, ब्यावर से 8 किलोमीटर दूर हमारा रूपनगर गाँव है, अजमेर के पास में। अजमेर से आता है ना? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है ब्यावर, ब्यावर से 8 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने सेटअप लगा रखा है जी। और बहुत मेहनत से आप कर रहे हो, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।